आखिर क्यों इस चोर को बैंक ने 1.5 करोड़ रुपए मुफ्त में दे दिए। 2008 में डेमेट्री अगरको नाम के व्यक्ति को क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने का एक फॉर्म मिला। फॉर्म के साथ साथ उसमें एक दूसरा बुकलेट भी आया था। इसमें क्रेडिट कार्ड का ब्याज लगभग 13% लिखा था, लेकिन जब डेमेट्री ने वो फॉर्म अच्छे से पढ़ा तब उस फॉर्म में ब्याज 45% मतलब की 45% भरने को लिखा गया था। इस फॉर्म को पढ़ने के बाद डेमेट्री ने एक प्लानिंग बनाई। उसने रूबरू असली फॉर्म के जैसे नकली फॉर्म बनाया। नकली फॉर्म में उसने 45% को 0% कर दिया। उसने यहाँ भी लिखा कि अगर बैंक कार्ड को कैंसिल करती है तो बैंक डेमेट्री को 1.5 लाख रुपए भरेगी। सारी चीजें लिखकर डेमेट्री ने वो फॉर्म सबमिट कर दिया। बैंक के कर्मचारियों ने उस फॉर्म की नकली लिखावट पर ध्यान नहीं दिया और उसके नाम पर क्रेडिट कार्ड और लोन दोनों दे दिया। कुछ दिन तक डेमेट्री ने लोन लिया और उतने ही पैसे चुकाए जितने उसने लिए थे। कुछ महीनों बाद बैंक डेमेट्री के ब्याज न भरने पर बैंक ने उस पर केस कर दिया। कोर्ट में डेमेट्री जीत गया। जीतने के बाद कोर्ट ने उसका क्रेडिट कार्ड कैंसिल कर दिया। इसकी वजह से उसने बैंक पर फिर से केस किया, ये दिखाते हुए कि उसका कार्ड कैंसिल करने पर बैंक को उसे 1.5 करोड़ रुपए देने होंगे। आखिर में बैंक ने डेमेट्री को वो पैसा चुकाया, फिर वो केस बंद हुआ। बेचारे मैनेजर को इन सब का खामियाजा अपनी नौकरी खोकर करना पड़ा। थैंक्स।